मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चंदेल है और मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। देखिए, जब दोनों सरकार बनी थी, केंद्र में भी और दिल्ली सरकार में भी, तो इन्होंने कहा था कि हम दलित मजदूर गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन इन लोगों ने वादा खिलाफी आज ये लोग कर रहे हैं। माननीय केजरीवाल जी ने एक चिट्ठी हमारे नाम भेजी थी कि जो नाले में भर के काम करते हैं उनको पूरी सुविधा दी जाएगी, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पता किया जाएगा। लेकिन आप हमने दोबारा भी जो हमारा झाड़ू का चुनाव चिन्ह था, जो कि केजरीवाल साहब ने की पार्टी ने ले लिया था, उसके बहकाव में आकर दोबारा भी केजरीवाल की सरकार हम लोगों ने बनवाई। लेकिन आज केजरीवाल जी अपना वादा भूल गए हैं कि जो उन्होंने वादा किया था कि जो कच्चे कर्मचारी हैं पक्का करेंगे और जो पक्के हुए उनको कैशलेस कार्ड देंगे और उनको पक्का अरेंज देंगे जी। देखिए, हमारा जो प्रयास है वो हमारा प्रयास है कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, हम इसका आंदोलन भी चला रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले झाड़ू देने का कार्यक्रम भी किया था राष्ट्रीय बाल मिसाल के माध्यम से। लेकिन जो लोग सरकारी लगे हुए हैं, सरकार डिपार्टमेंट में हैं और जिनको अच्छी सैलरी मिलती है, तो सैलरी के माध्यम से हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी तक झाड़ू छूटेगी, तभी तक कलम हाथ में आएगी। लेकिन इन लोगों मनुवादी लोगों के पूंजीवादी लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि जो राष्ट्रीय बाल्मीकि सेना पूरे देश में काम कर रही है कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, अगर ये कामयाब हो जाएंगे तो ये लोग हमारे बराबरी आ जाएंगे। इसलिए मनुवादी लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे घर बने, हमारे बच्चों की शादी हो और हमारे हाथ में झाड़ू छूट के कलम आए। देखिए, एक ही हमारा ये पेट पालने का साधन है आमचिड़ी कर्मचारी जो डिपार्टमेंट है, और इसके माध्यम से हमारे लोग काम धंधा करके अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं। तो आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं है। जो अनपढ़ हमारे अनपढ़ और मजदूर किस्म गरीब किस्म के लोग हैं, उनकी शुरुआत एमसीडी से होती है, तो वहाँ से हम लोग फिर जब पढ़ लिख लेते हैं तो हम अन्य डिपार्टमेंट भी काम करते हैं और अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट जाकर काम करते हैं। पुलिस है, एडवोकेट भी हमारे लोग बड़े बड़े उसमें हैं, लेकिन जो शुरुआत है जो कमाई का साधन है वो अनपढ़ गरीब जो हमारे लोग दलित मजदूर हैं वो यहाँ से शुरुआत होती है। ये बिल्कुल सत्य है। सच्चाई तो यह है कि अगर भारत माता की असली कोई माँ है तो बाल्मीकि समाज है, जो हर एक वर्ग के घर पर जाकर सफाई करता है। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी सफाई बाल्मीकि समाज की माता करती है। सुबह उठकर अच्छे अधिकारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर जाकर बाल्मीकि समाज सफाई करता है, अपने बच्चों की तरह सफाई करता है, इस समाज को और इस देश को सींच रहा है। और आज वो लोग अपनी माता को ही निरादर कर रहे हैं, ऐसे निरादर कर रहे हैं लोग।